दोस्तों, मैं वन लेगु फिर से आप लोगों को एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक यही है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं कि आप आर्टिफिशियल लिम लगा के मैराथन क्यों नहीं आ रहे हो, आर्टिफिशियल लिम लगा के डेली एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहे हो, आर्टिफिशियल लिम लगा के मतलब रनिंग वगैरह क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसी चीज़ों को, उसी बातों को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ कि आर्टिफिशियल लिम नहीं लगाने का कारण एक तो है उसका लाइनर, लाइनर साइड से कट गया है तो उससे क्या हो रहा है कि पैर में मतलब जब भी वॉकिंग कर रहा हूँ या स्पीड में चल रहा हूँ तो साइड से मेरा पैर के मतलब जो स्किन होते हैं वो कट जा रहे हैं। दूसरा चीज़ है इसका नी जॉइंट, नी जॉइंट में इतना सारा प्रॉब्लम आ गया है कि ये चलने में हेल्प नहीं कर रहा है, इतना सारा साउंड हो गया है कि मतलब मूवमेंट इसका अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे मेरे को लग रहा है कि पैर तो आगे गया लेकिन पैर को खींच के लेके जाना पड़ रहा है। ये नी जॉइंट बहुत ही अच्छा है, नी जॉइंट बहुत ही सपोर्ट करता है लेकिन ये सिर्फ ऑफिस यूज के लिए ही सीमित है। इसको गए ऑफिस खोल दिए, आके खोल दिए, फिर मतलब बाजार वजार थोड़ा घूम लिए, थोड़ा सा हल्का जॉगिंग वगैरह कर लिए, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ कि डेली एक्टिविटी में डाल दिया, माउंटेन में लेके चला गया, हिल में लेके चला गया, तो ये एक्चुअली उस लायक बना नहीं है। ये है कि ऑफिस गए खोल आए, घर आए घर आके खोल दिए फिर बैठ गए। तो इसी कारण से मैं एल्बो स्टिक का भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये सपोर्ट तो कर नहीं रहा है। 5 किलोमीटर में मैं थक जा रहा हूँ, 5 किलोमीटर में ही पूरा एकदम पसीना पसीना हो जा रहा हूँ। तो मैं गया हुआ था कल अपने लिए एल्बो स्टिक खरीदने के लिए। मैं सोचा कि अभी मैराथन और रनिंग का सीजन चालू है तो एक नया स्टिक रखने से मेरे को लाभ होगा, क्योंकि ये पुराना वाला स्टिक कब टूट जाए, इसका ये वाला टूट जाए या ये वाला टूट जाए कोई ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए कल गया और वहाँ पे देखा तो अपने लिए 2 जोड़ी लिया। इसका लगभग दाम आपका यहाँ पे तो लिखा है 2000 रुपया, लेकिन जिस दुकान में मैं दुकान से लिया उसी दुकान से मैं बराबर लेता हूँ तो मेरे वाले का दाम लगभग 1240 रुपया पड़ा। ये दुकान है सेंट्रल एवेन्यू में है, जिसका मैं बिल आप लोगों के साथ दिखा दे रहा हूँ। आप लोगों को जो भी मतलब कुछ भी मतलब हम लोग जैसे हैंडीकैप लोगों के लिए या किसी के लिए भी मतलब कोई सामान चाहिए तो आप लोग यहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि एक अभय नाम का शायद बच्चा है जो मैं उससे बिहार जाके मिला हुआ था, उनका बचपन से ही मतलब मेरे जैसा ही पैर है ये। तो उस बच्चे से मैं मिला, मिल के मतलब बहुत ही मेरे को तकलीफ़ हुआ कि भगवान उसका पैर बनाना ही भूल गए। तो उनके गार्जियंस और बच्चे का भी शौक था कि मैं ऐसा एल्बो स्टिक लेके चलूं और मतलब मेरे जैसा ही एक्टिविटी करूं। बच्चा बहुत छोटा है, बहुत ही नटखट है। आप लोगों के साथ मैं वीडियो साझा भी किया हूं मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम और आपका यूट्यूब चैनल में भी मेरा वीडियो है, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत एक्टिव बच्चा है, पढ़ने में खेलने में हर चीज़, लेकिन उसके पास आर्टिफिशियल लिम्ब नहीं है। और बैसाखी था तो लेकिन बैसाखी से उसको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था क्योंकि बैसाखी कंधे में लगा के चलने में उतना अच्छा मूवमेंट नहीं मिल पाता है, शरीर का बैलेंस नहीं हो पाता है। तो मैं गया कल मार्केट में ढूंढा तो उसके लिए भी एक छोटा सा बैसाखी मिल गया। ये मेरा बैसाखी है और ये उस बच्चे का बैसाखी है, आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो मुझे ये बैसाखी खरीदते हुए बहुत खुशी हुई। और हम लोग जैसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, हम लोग जैसे लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए, हम जैसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक निशान सर हैं जिनका पिता से फाउंडेशन बोल के एक संस्था है, तो वो बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं। और उन वो जैसे झाड़ग्राम साइड में बहुत सारे लोगों को ऐसे हेल्प करते हैं। तो मैंने उनको उस बच्चे की वीडियो और फोटो दिखाई थी तो वो बोले यथासंभव मैं उनका हेल्प करूँगा। तो उन्होंने जैसे ही मैं बोला कि उस बच्चे के लिए ये एल्बो स्टिक मैं सोच रहा हूँ कि दिया जाए तो बोले हाँ हाँ जरूर एकदम तुम दे दो, और उन्होंने वो पैसा मेरे को भेज दिए। फिर वो
एल्बो स्टिक उस बच्चे को खरीद लिया हूँ। अभी देख रहा हूँ कि कैसे उस बच्चे तक पहुँचाऊँ, और वो बच्चा जिस दिन आर्टिफिशियल लिम लगा के चलने लगेगा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि चलो मतलब अच्छा लग रहा है कि वो आर्टिफिशियल लिम लगा के चलेगा दौड़ेगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि मैं आधी उम्र में जाके अपना पैर खो दिया, वो बच्चा शुरू से ही पैर बिना पैर के ही है, तो उसको अगर आर्टिफिशियल लिम लगा के चलते हुए देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं ही चल रहा हूँ। तो यही आज टॉपिक था। और ये स्टॉपर है, ये वाला रबड़ आप लोग देख सकते हैं, ये रबड़ बहुत हार्ड होता है, तो इससे क्या होता है कि पानी वानी में टाइल्स पे चलने में स्लिप कर जाता है, तो इसीलिए ये वाला मैं यूज करता हूँ जो बहुत ही सपोर्ट करता है चलने में, पानी में स्लिप नहीं होता है और गिरने नहीं देता है। तो इसीलिए आप जितने भी मेरे जैसे दिव्यांग भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग अपने अपने हिसाब से आर्टिफिशियल लिम खरीदे, आप लोग अपने अपने हिसाब से बैसाखी ले, अपने अपने हिसाब से ये स्टॉपर ले, और अपने हिसाब से एक्टिविटी करें, और अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें, अपने जैसे दिव्यांग भाई बहन को घर से बाहर निकालने में उत्साहित करें, और कि पढ़ाई में, खेल में, नौकरी में, जैसा भी अपॉर्चुनिटी हो एक दूसरे के साथ साझा करें और एक दूसरे का हेल्प करें। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे मैं हर दिन एक वीडियो बना के डालता हूँ, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे के साथ शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।